नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करके करते हैं। देखिए, इन्होंने रोज़र ने बोला है, अच्छा इन्होंने अपना लिंक दिया है कि अगर आपको सब्सक्राइबर, चलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अनुज गौतम ने सवाल पूछा है कि सर मेरे 12th में मैथ नहीं थी पर मैं BCA कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप BCA कर रहे हैं तो आप NIMCET के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हैं, इससे आपको कोई मैटर नहीं करता है। राजीव शाह बोल रहे हैं ओके थैंक्स, ओके थैंक यू, वेलकम। कल्पना वाजपेयी, अब कल्पना वाजपेयी ने क्या बोला है देखते हैं। अब आप ही मेरे गाइड हैं, मैं घर वे तैयारी करूँगा। देखिए कल्पना, पहले तो आपका मैं नाम नहीं जानता हूँ कि आपका रियल नाम क्या है, लेकिन कल्पना देख लीजिए, घर पे अगर रह करके तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी करने का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यह है कि आप NIMCET एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, तो आप क्रैक करने पर फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि आप अपने घर पे ही तैयारी कीजिएगा, ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैं घर पे रह करके तैयारी कर पाऊँगा, क्या मैं अच्छा से इस एग्ज़ाम को निकाल पाऊँगा, क्या मुझे वो माहौल मिल पाएगा। 5 why पूछिए अपने से, 5 सवाल पूछिए और देन उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि वाकई में आपको घर पर तैयारी करना चाहिए या फिर किसी अच्छे कोचिंग में जाकर के तैयारी करना चाहिए। उसके बाद में अब मेरे पक्का है मैं MCA की तैयारी करूँगा। ओके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत स्कोप है MCA में अभी। सर MCA मैथ का पूरा चैप्टर बताइए प्लीज़ एंड जावा का बेस्ट बुक कौन सी है? देखिए, जावा का जो बेस्ट बुक है वो आपका एक ओरेकल का बुक आता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मोटी वाली काफ़ी आती है, उसकी जो प्राइस है वो 600 700 800 के आसपास आती है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको जाके परचेज कर सकते हैं। और MCA का पूरा का चैप्टर अगर मैं बताने की बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र जो है मैंने उसमें दिया हुआ है, आप उसको कॉपी पेस्ट करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैथ का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो IIT JEE के मैथ के चैप्टर के अकॉर्डिंग ही होता है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है वो हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से लिंकिंग होता ही होता है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा 11th और 12th का तो मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है, इससे आप कम नहीं हो सकते, ठीक है। अखिलेश यादव ने पूछा है थैंक यू सो मच सर, सर प्लीज़ BHU JNU SCU पुणे में MCA के लिए भी कोई वीडियो बनाइए प्लीज़। अखिलेश, ऑलरेडी मैंने BHU JNU पुणे पर वीडियो बनाया हुआ है, SCU मैंने शायद नहीं बनाया हुआ है, तो आप जा कर के मेरे चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जा कर के आप उसको देख सकते हैं। अनिल कुमार ने बोला है कि LNCT भोपाल पर वीडियो भाई। देखिए अनिल, अगर LNCT भोपाल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं एक बहुत बोलूँगा कि अगर आप MCA करना चाहते हैं तो NIMCET के थ्रू पर फोकस कीजिए, ठीक है। LNCT भोपाल तो बाद की बात है, ठीक है जी। देन उसके बाद में तापस रंजन पत्रा ने बोला है कि एनी कॉन्टैक्ट नंबर सर, तो तापस रंजन जी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हुआ है, लेकिन आप मुझे प्लीज़ संडे को फ़ोन कीजिएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता। सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है क्या? देखिए व्हाट्सएप नंबर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप नंबर मैं अगर दे दूंगा तो इतनी ज़्यादा मैसेज आएगा कि मेरा जो फ़ोन है वो हैंग हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले भी मेरा एक और चैनल था, मैंने उस पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था, तो एक दिन में 2000-3000 मैसेज आते थे, तो मेरा बैटरी भी लॉस हो जाता था, इंटरनेट भी लॉस हो जाता था, और इसकी वजह से अब मैं नहीं देता हूँ। लेकिन मैं आपका फ़ोन नंबर दूंगा, आप टेक्स्ट मैसेज में ज़्यादा टाइम लगता है, मुझसे डायरेक्ट आप कॉल ही करके बात कर लीजिएगा। कौशिक देव पूछते हैं कि #guide, ऑलरेडी मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। TANSET MCA फॉर्म कब आएगा? देखिए TANSET MCA फॉर्म इम्तियाज आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है। एक बार आप गूगल पे जा करके सर्च कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, TANSET MCA, और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं मिलता है कि मैं वन बाई वन करके अपलोड करूँ, लेकिन मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ ऐसा कि जितना भी इन्फॉर्मेशन आप लोग पूछते हैं कि कब आएगा फॉर्म, कब आएगा इसका क्या होगा, वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाएगा। बस आपको उसी वेबसाइट को वन बाय वन करके आपको देखते रहना होगा। थिंकिंग इन सी ने पूछा है कि सर मैं NIMCET की सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके मैं पहले इतने का आपको जवाब मैं दे देता हूँ।
नेम सेट का सेल्फ प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो हर NIT में जितने भी लड़के सिलेक्ट होते हैं उसमें उनका 50% सीट ऑलरेडी वो एक्वायर कर लेते हैं। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रा सा आप सोच लीजिए कि आपकी लेवल क्या होगी, और अगर नहीं तो आपको फिर बाहर जाना होगा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का स्टेट वाइज मैं लिस्ट भी अपने वेबसाइट पे अपलोड करूँगा और उसका एक अच्छा सा पेज बना करके मैं आपको पोस्ट कर दूँगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का आपको लिंक भी दे दूँगा, उस वेबसाइट को आप डेली बेसिस पे आप लोग सर्च करते रहिएगा, विजिट करते रहिएगा। उसके बाद में 26 मई 2019 को पेपर देना है, ठीक है, यानी कि इस साल ही अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। उसके बाद में मैं इस टाइम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, मैथ के सिर्फ 40% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता हूँ, जो नहीं कर पाया उसका रट लेता हूँ। ओके, आपने जो क्वेश्चन नहीं किए हुए होते हैं आप उसको याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर एंड रीजनिंग के 70% बिना, अच्छा 70% बना पाते हैं। मैं पर डे 7 से 8 पढ़ाई कर लेता हूँ। देखिए, अगर आप मैथ का 40% क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो इसको 40% से ना 35% मत होने दीजिएगा। रीजनिंग का अगर 70% कर लेते हैं ना, तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार में, ठीक है। अभी इन्होंने बोला कि, अच्छा चंद्रन ने बोला है कि इतना दुखी क्यों हो भाई, थोड़ा सा हंस लो। देखिए, अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मैं दुखी हूँ। यह अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आइए आपकी सोचने का नज़रिया है, ठीक है जी। मानसी, अच्छा इन्होंने कोडिंग स्किल पे टैग किया है, तो मानसी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, मेरे दोनों चैनल पे है, आप उससे जा कर के देख सकते हैं। रवि केसरी ने बोला है कि सर प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप का वीडियो बना दीजिए फॉर MCA इन हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, प्लीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैं इस पर वीडियो देखूँगा अगर मुझे लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में कल सर्च किया था तो लिंक लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्लीज़ आप उसका लिंक मुझे कमेंट कर दीजिए। समीक्षा ने पूछा है कि हाउ इज़ NIT फॉर MSc, NIT इज़ बेटर देन एनी यूनिवर्सिटी, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको कमेंट किया हुआ है। राकेश कुमार ने बोला है कि नाइस वीडियो सर जी, थैंक यू राकेश। उसके बाद में सुब्रत ने बोला है अच्छा लगा, ओके, और हम लोग कॉमेंट लेते हैं। मेरे को अभी मालूम चला कि आपके एक और चैनल है, ठीक है कल्पना, पहले तो आप अपना नाम, जो आपका रियल नाम है वो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं और इसमें प्रॉब्लम होता है। जैसे आपका नाम है कल्पना वाजपेयी और आपने मुझे कमेंट किया था कि आप स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा आप नाम अपना जा करके यूट्यूब का नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है भाई। YouTube में C और C++ की चैनल बताइए। देखिए, माई सर जी और नरेश IT चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं C++ या फिर सी के लिए, जावा के लिए, और जावा के लिए तो दुर्गा सॉफ्टवेयर का ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो जावा के अगर पढ़ना चाहते हैं तो दुर्गा सॉफ्टवेयर आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर MCA, प्लीज़ एक्सप्लेन। अगर MCA के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बोलना चाहूँ तो वो है मैथ। 10+2 लेवल का पूरा मैथ अगर आपको अच्छा से आ गया तो आधा से ज़्यादा काम हो गया। उसके बाद में रीजनिंग अगर है तो रीजनिंग के जरिए आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा और उससे आपका रैंक तैयार हो जाएगा। शिवम शर्मा ने बोला है कि वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कीप इट अप ब्रो, थैंक यू शिवम। कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी? देखिए शिवम, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, लेकिन प्लीज़ मैंने जो इसमें टाइम मेंशन किया हुआ है उसी टाइम पर आप फ़ोन कीजिएगा मुझे, मैं आपका सवाल का जवाब दे दूंगा। वैष्णवी शर्मा ने पूछा है कि भैया प्लीज़ गाइड कीजिए कि हम अपने BSc और NIMCET की प्रिपरेशन कैसे साथ में करें, और कोचिंग अगर दूसरे सिटी में जाकर फिर अपनी कॉलेज की पढ़ाई को साथ में मैनेज कैसे करें। देखिए वैष्णवी, ये काफ़ी बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज इस सवाल से ग्रेजुएशन करने वाले हर लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि उनके शहर में एक अच्छा कोचिंग नहीं होता है NIMCET की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें आप करेंगे तो करेंगे कैसे? देखिए, तो NIMCET
आपका अगर आसपास के शहर में कोचिंग नहीं है तो सिंपल रूप से आपको बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपका कॉलेज है तो मैं बोलूँगा कि फिर आप चेक कीजिए कि आपका परिवार का माहौल कैसा है। परिवार का माहौल अगर वेल एंड गुड है तो ऑनलाइन कोर्सेज पे जाइए, ठीक है ना, निमसेट या फिर MCA का ऑनलाइन कोर्सेज गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे। लेकिन अच्छे खासे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकता हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाहता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं तो BSc के साथ साथ में आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के भी पढ़ सकते हैं। शिवम सर का भी ऑनलाइन कोर्सेज अच्छा है, और भी काफ़ी ज़्यादा और भी सर हैं जो मेरे वेबसाइट पे, मैं जो वेबसाइट लिंक दूंगा ना वहाँ पे जाकर के आप वहाँ पे देख सकते हैं, और भी सारे लोगों का आपको मिल जाएगा। तो BSc और NIMCET का प्रिपरेशन आप साथ में कर सकते हैं। आप एक टारगेट बना लीजिए कि BSc में मुझे 70-68% तक ही मार्क्स लाना है, क्योंकि BSc कर लेने के बाद भी आपको कोई जॉब नहीं जब लगेगा तो फिर आप क्या करेंगे उसके डिग्री का। तो सिंपल आप NIMCET पे फोकस कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए, और अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है तो फिर बाहर जा कर के पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए और वहाँ पे अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इस्लाम बोलते हैं जावा के लिए कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, जावा से बुक के मैं प्रेफर करने से पहले मैं बोलूँगा कि आपका दुर्गा का हैदराबाद के सर हैं दुर्गा, उनका पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, उतना ही इनफ है, कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बुक की ज़रूरत लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए, अभिषेक चौहान, मैं ऑलरेडी कमेंट कर चुका हूँ आप पर। यहाँ पे फिर इस्लामिन ने पूछा है कि अगर जावा पर कॉन्सेप्ट बनाया जाए तो C++ से बेटर होगा या नहीं। तो देखिए, जावा आज सब कुछ है, एंड्रॉयड की जितने भी ऐप डेवलपमेंट होती हैं वो जावा पे ही डेवलप हो रही हैं। तो जावा सब कुछ है और जावा के अंदर ही ऐसा माना जाता है कि दुनिया भी है, और अगर आप जावा सीख लेते हैं तो किसी कंपनी के आप ऑलराउंडर बन जाते हैं। हाउ अबाउट पैथन लैंग्वेज? देखिए, पैथन लैंग्वेज काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छा भी है। डाटा स्ट्रक्चर का कुछ PDF शेयर कर सकते हो क्या भैया? शुभम ने बोला है कि देखिए शुभम, अगर डाटा स्ट्रक्चर्स का PDF लेना चाहते हैं तो PDF से मत पढ़िए, PDF से आदमी नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल नहीं होते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप के स्क्रीन पर देख करके हम लोग स्टडी कर पाएँ। तो सिंपल रूप से आप एक बुक स्टडी कीजिए, देन उसके बाद में जावा टी पॉइंट से आप स्टडी कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोहम्मद यासिन ने पूछा है, थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन वेब डेवलपमेंट। देखिए मोहम्मद यासिन जी, अगर वेब डेवलपमेंट पे वीडियोस आएगा तो वो मेरे दूसरे चैनल पे आएगा, जिस चैनल का नाम है माई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उसे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। वेब डेवलपमेंट की जो भी वीडियोज़ आएंगी वो उस चैनल पर आएंगी। भैया, MCA के मैथमेटिक्स के बारे में राजीव ने पूछा है कि भैया MCA के मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताइए कि कैसा मैथ पढ़ना पड़ता है और कहाँ ये अप्लाई होता है। थैंक्स यू फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। देखिए राजीव, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सेट से लेकर के वेक्टर से लेकर के कैलकुलस से लेकर के हर जगह एक दूसरे से लिंक होता है। कैलकुलस का अगर आप सवाल बनाएंगे तो उसमें वेक्टर का भी कभी कभी कॉन्सेप्ट आ जाता है, वेक्टर का अगर आप सवाल बना रहे हैं तो उसमें कैलकुलस का भी आपका सवाल आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पढ़ने का सही तरीका ये है कि कोई भी अगर आप चैप्टर उठाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये मैं क्वेश्चंस बना लूँगा, उस पर आप टिक लगा दीजिए और उसको आप सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस आप नहीं बना पाए, तो अगर मान लीजिए कि टिक लगाए हुए क्वेश्चंस अगर आपने 10 भी कर लिए, देन आप उस पर जंप कीजिए जिस क्वेश्चंस को आप नहीं बना पाते। देन उसके बाद में आपको यही सिस्टम्स कंटिन्यू रखना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी मैथ की जो स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद में एडवाइजर गुरु का मैंने कमेंट कर दिया है। तापस रंजन पात्रा ने पूछा है, सर पैथन के बारे में एक वीडियो बनाइए। देखिए तापस रंजन जी, मैं पैथन के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन वो मेरे दूसरे चैनल पे होगा। फैज़ान हैदर ने पूछा है, ओके रजत आर जे टी
देखिए, रजत जी ने पूछा है कि सर क्या प्लीज़ अपना डेली रूटीन शेयर कर सकते हो, कंसंट्रेशन कैसे बनाते हो आप स्टडी पर, और मुझे बीएससी और नीमसेट दोनों के पेपर देने हैं पर मैं टिकटॉक यूट्यूब एडिक्टेड हो चुका हूँ, फोकस नहीं बना पा रहा हूँ। देखिए रजत, अगर आप एडिक्टेड हो चुके हैं ना तो आप इसको अनइंस्टॉल अभी मत कीजिए। यूट्यूब का एप्लीकेशन खोलने से पहले आप एक बार अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं टिकटॉक किस लिए खोल रहा हूँ और मेरा एम क्या है। और अगर आपके मन के अंदर की आवाज़ अगर बोले कि नहीं मुझे टिकटॉक का नहीं करना है तो बस उसको उस समय इंस्टॉल कर दीजिए। और अगर जब तक सवाल नहीं मिलता है तब तक आप यूट्यूब पर वीडियोस देखना और प्लस में टिकटॉक के वीडियोस देखना है। सवाल पूछते रहिए कि मैं ये क्यों देख रहा हूँ और ये आगे चल करके मुझे रिटर्न क्या मिलेगा इससे, क्योंकि आगे चल करके आपको पैसा ही कमाना है और पैसे कमाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप एक चीज़ पर फोकस करें। और पैसे जब आप कमाते हैं या फिर नहीं कमाते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि आप एडिक्टेड हैं या नहीं है, ये देखा जाता है कि आप में कितना ज़्यादा स्किल्स है। तो स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट कीजिए, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि यूट्यूब और टिकटॉक पे एक बार समय बिताने से पहले, एप्लीकेशन खोलने से पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और अगर ये सवाल अगर अच्छा आता है कि इंटरटेनमेंट के लिए तो फिर सवाल पूछिए कि मुझे इंटरटेनमेंट कितना चाहिए। फिर उसके लिए फिर सवाल पूछ सकते हैं कि मूड फ्रेश के लिए, तो मूड फ्रेश के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या ये मेरे सेहत के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से पूछ करके इन दोनों को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको बिना सोचे अनइंस्टॉल कर देंगे ना तो बिना सोचे इसको आप इंस्टॉल भी करेंगे तो आप अपने से बात करके इसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ कमेंट लेते हैं हम लोग। तापस रंजन ने फिर बोला है कि नाइस वीडियो, ओके। राजीव ने बोला है कि चलिए NIT में मिलते हैं, चलिए अगर आते हैं तो हम लोग मिलेंगे। ठीक है ना, ज़रूर मिलेंगे राजीव। फैजान हैदर ने बोला कि भैया MCA के सिलेबस में कौन सा पेपर अच्छा से तो कैंपस में हो जाए। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर C++, जावा, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, डाटा स्ट्रक्चर्स ले लीजिए। और डाटा स्ट्रक्चर्स का कौन सा बेस्ट बुक है उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको परचेज कर सकते हैं जो कि IIT और NITs में स्टडी करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मनोज कुमार श्रीवास्तव बोलते हैं कि सर स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है और आपके जिस भी NIT या फिर IIT में पढ़ते हैं वहाँ पर आपको जैसे ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाता है ईयरली वाइज, तो आपका वेलफेयर का डिपार्टमेंट होता है वो आपके नोटिस से आपको मिल जाता है ईमेल के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से। मिल जाने के बाद में आपको फॉर्म भर दीजिए ऑनलाइन। फॉर्म भर लेने के बाद में उसका जो प्रिंट आउट कॉपी होता है वो आपके वेलफेयर डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है विथ प्रूफ, और वहाँ पे आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, रिजल्ट, ये सारे दिखाने पड़ते हैं। उससे आपका जो अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो पूरा का पूरा आ जाता है। मृत्युंजय कुमार ने बोला है कि साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं। साफ साफ मतलब कि अब सॉरी फॉर मृत्युंजय, लेकिन किस टॉपिक के बारे में बात आप बोल रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मुझे कमेंट कर लीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। चंदन कुमार ने बोला है कि नाइस वीडियो, थैंक यू चंदन। जय प्रकाश ने बोला है प्लेसमेंट के बारे में बताइए, एवरेज पैकेज कितना मिलता है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 6 से 8 लाख के बीच में मिलता है और हाईएस्ट पैकेज की कोई कमी नहीं है, 40, 50, 60। जितना आपके अंदर कोडिंग स्किल इंप्रूव होगा आराम से आप कर पाएंगे जयप्रकाश। ठीक है, अलीशा ने पूछा है कि सर अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टडी में पैसे के लिए, अभी ये मैं बोलना नहीं चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुड बी ऑन प्लेसमेंट इन NIT फॉर MCA। तो प्लेसमेंट ऑलरेडी मैंने ये वीडियोस बनाया हुआ है इस पर। ठीक है, और काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं, और मेरा भी नहीं किसी और का भी वीडियोस देख सकते हैं। रितिका श्रीवास्तव ने बोला है कि वाई IIT रुड़की क्वाइट MCA प्लीज़ रिप्लाई। देखिए रितिका जी, IIT रुड़की MCA को इसलिए बंद किया क्योंकि MCA जो कोर्स है वो इंडियन ओरिजिन का क्षेत्र है,
ये MCA कोर्स सिर्फ आपको इंडिया में ही मिलता है, वो किसी आपको दूसरे देश में नहीं मिलता। तो IIT रुड़की में, चूँकि IIT रुड़की का जो एक ब्रांड है वो अमेरिका में हो चाहे जर्मनी में हो, हर जगह अच्छा खासा है, तो उसमें वही कोर्स चलाए जाते हैं जो अमेरिका के कोर्स से कंपेरिजन अच्छा से कराया जा सके। इसके लिए वहाँ से MCA कोर्स बंद हो गया 2014 में। सर, तो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या होता है? स्कॉलरशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है रितिका श्रीवास्तव, आपको सिर्फ आपका कास्ट सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे एडमिशन हो जाने के बाद में वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को एक नोटिफिकेशन और मैसेज मिल जाता है, और उसके बाद में ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और उसके बाद में जो प्रिंट आउट कॉपी मिलता है वेलफेयर डिपार्टमेंट में जा कर के आप सबमिट कर दीजिए। सर, रैगिंग इज़ नॉट अलाउड ना रितिका श्रीवास्तव? हाँ बिल्कुल, रैगिंग यहाँ पे नहीं होता, एकदम बिल्कुल भी नहीं। और एक और मैं बोलना चाहता हूँ, IIT और NIT में रैगिंग होता ही नहीं है, सारे लोग अपने काम से काम रखते हैं, सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई, पढ़ाई तो पढ़ाई, ठीक है, रैगिंग कोई नहीं होता है। आप इन सब की टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होता है। रितिका श्रीवास्तव ने फिर सवाल पूछा है, यानी कि चार चार सवाल। सर, माइक्रोसॉफ्ट गूगल सब NITs में आते हैं? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आता है, गूगल अभी नहीं आते। गूगल का कोड जैम होता है, कोड जैम में अगर जो अच्छे लड़के कर जाते हैं तो डायरेक्ट कोड जैम के थ्रू ही वो ले लेता है। RC गेमिंग एंड टेक, सर JNU पर वीडियो बनाओ। देखिए, RC गेमिंग एंड टेक JNU पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, जा करके उसको आप मेरे चैनल के अंदर है, जा करके देख लीजिए। उसके बाद में मौर्य ने बोला है कि BBA स्टूडेंट्स एलिजिबल है कि नहीं? आई एम नॉट हैविंग मैथ इन क्लास 12, टेल मी JNU नेम सेट। देखिए नहीं, ठीक है। विकास कुमार ने बोला है नाइस। संजू खान ने बोला है सर 3 ईयर MCA वर्सेस 2 ईयर MCS के वीडियो बनाइए। देखिए संजू खान जी, मैं इसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैं क्लियर कट बोलता हूं कि 2 साल का MCA आप जीवन में कभी भी करने के बारे में मत सोचिएगा, 3 साल का MCA ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। सैमन फ्लिक्स ने बोला है कॉन्ग्रेट्स सैमन है कि सैम, इट्स सैम, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियोस हो रही है, अब मैं 2-4 और कमेंट लेकर के इस वीडियो को क्लोज कर देने वाला हूँ। सर प्लीज़, अच्छा सिसोदिया ने मुझसे सवाल ये पूछा है कि ऑलरेडी इनका मैंने कमेंट करके दे दिया था जवाब। सर, NIMCET के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे करें, क्या सरस कॉपीराइट का मामला है ये सब, ठीक है। इसके लिए मेरे आप वेबसाइट को चेक करते रहिए। इज़ देयर एनी जिम इन NIT? हाँ, जिम भी है, प्लेग्राउंड भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कॉन्ग्रेट्स सर, अच्छा 1000 सब्सक्राइबर के लिए द यूनी मी ने कॉन्ग्रेट्स बोला है। उसके बाद में रुद्र सिंह ने मुझसे पूछा है कि NIT में MCA कोर्स, देखिए NIT में ये वाला जो कोर्स है, जो ट्यूशन फीस है, 2 ही कोर्स लगता है इसमें, आपका एक खाने का और खाने का जो मेस फीस लगता है, उसी में आपका हॉस्टल फीस सब सारा चीज़ इंक्लूड होता है। ट्यूशन फीस में आपका 43 लगता है, ये आपका कहीं कहीं 48 भी होता है, 51 भी होता है, 53 भी होता है, तो जिस तरीके का आप NIT लेंगे ये वेरी करेगा, लेकिन मेस फी भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और दोनों का दोनों स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है। तो रुद्र सिंह का मैंने जवाब दे दिया है। उसके बाद में बस लास्ट कमेंट, संजू खान ने पूछा है कि सर, जब आपने NIT से MCA किया था तो वहाँ पे 60% एकेडमिक का स्कोर 12th MCA का होना चाहिए बेटर प्लेसमेंट। देखिए, अगर आपका 10th और 12th का मार्क्स वाकई में है अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलता ही है, लेकिन अगर आपका नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि MCA में अगर आप आ जाते हैं, कोडिंग इसके लिए ऐसा डेवलप कीजिए कि फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैंने काफ़ी कमेंट के जवाब दे दिए हैं, तो इसी तरीके से मैं कमेंट का भी वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि हर टॉपिक का पर्टिकुलर वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप लोग उतना वेट नहीं कर सकते हैं। तो कमेंट के लिए आप लोग को मैं एक बोल रहा हूँ कि #QnA, # क्या लिखना है आपको, #QnA आपको लिखना है, और उसमें आपका क्वेश्चन लिख देना है, और जब जब भी ऐसा होगा, कमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं वीडियोस उस पर बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।